आइए प्रकाश लाइट हम लोग पढ़ेंगे आज से, ठीक है। ध्यान से देखेंगे सुनेंगे और क्लास समाप्त होने के बाद इसको इसका वीडियो भी भेज देंगे, उसको भी ध्यान से देखना। तो प्रकाश लाइट, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है ना। प्रकाश क्या है? तो एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलती है, इसकी दिशा अनुप्रस्थ होती है। अब यहाँ पर पिछले क्लास में हम बताए थे, फिर से चर्चा करते हैं कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्यों है? क्योंकि प्रकाश के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, प्रकाश की दिशा अनुप्रस्थ है। अनुप्रस्थ मतलब लंबवत चलती है, प्रकाश की दिशा लंबवत चलती है। प्रकाश का वेवलेंथ तरंग दर कितना होता है? तो 3900 डिग्री एंगस्ट्रम से 7800 डिग्री एंगस्ट्रम, यानी कि प्रकाश के वेवलेंथ को हम एंगस्ट्रम से मापते हैं। ओके, अब आइए प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन का मतलब क्या है? जब प्रकाश किसी चिकनी वो चमकदार पृष्ठ पर पड़ता है तो इसका विभिन्न दिशाओं में अधिकांश भाग वापस लौट आता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। एक फिगर के द्वारा हम बताएंगे, मान लीजिए एक फिगर के द्वारा बताएंगे, मान लीजिए चिकना पृष्ठ है, ठीक है। प्रकाश प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, ये सीधा प्रकाश जा रहा है ना, और चिकने पृष्ठ से टकराने के बाद विभिन्न दिशाओं में ये परावर्तित हो रहा है ना। तो ये प्रकाश के परावर्तन का उदाहरण है ना। जब प्रकाश किसी चिकने और चमकदार पृष्ठ पर पड़ता है तो उसका विभिन्न दिशाओं में अधिकांश भाग वापस लौट आता है, तो वापस लौट आने की घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। यहाँ पर एक शर्त है कि पृष्ठ यानी कि सतह जितना चिकना और चमकदार होगा, पृष्ठ जितना चिकना और ये पृष्ठ जो है जितना चिकना होगा चमकदार होगा, प्रकाश का परावर्तन उस पृष्ठ पर उतना अधिक होगा। यही कारण है कि समतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन सबसे अधिक होता है। समतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन सबसे अधिक होता है, इसलिए समतल दर्पण प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक माना जाता है। क्योंकि समतल दर्पण का जो पृष्ठ होता है वह चिकना है और चमकदार है और ऊपर से नीचे सतह एक समान है ना। तो समतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन सबसे अच्छा होता है, इसलिए समतल दर्पण प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक माना जाता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब है ना, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब देख लीजिए, बेहद ही महत्वपूर्ण है। समतल दर्पण है ना, दर्पण दो प्रकार का होता है। पहले यहाँ पर देख लीजिए, दर्पण दो प्रकार का होता है। एक है समतल दर्पण, ठीक है, जिसका समतल दर्पण का नाम समतल दर्पण इसलिए पड़ा कि जिसका सतह समतल है ना। और दूसरा है गोलीय दर्पण, दूसरा है गोलीय दर्पण। दर्पण दो प्रकार का, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण, ठीक है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब, यदि कोई व्यक्ति, समतल दर्पण के बारे में बोल रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे, यदि कोई व्यक्ति भी चाल से समतल दर्पण की ओर चलता है, कोई व्यक्ति है जो भी चाल से समतल दर्पण की ओर चलता है, तो उसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब तू भी चाल से अपनी ओर आता हुआ दिखाई देगा, यानी कि दुगनी चाल से अपनी ओर आता हुआ दिखाई देगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि दर्पण का सतह समतल है। ओके, दूसरा, समतल दर्पण में यदि कोई व्यक्ति अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहता है तो दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। समतल दर्पण में अगर कोई व्यक्ति अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहता है तो दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई व्यक्ति के ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। तीसरा, यदि दो समतल दर्पण थीटा डिग्री कोण पर झुका हो और उनके द्वारा मध्य में रखी वस्तु के बनाए गए कुल प्रतिबिंबों की संख्या कितना होगा?
360 डिग्री बटा थीटा माइनस वन। अब यहाँ पर इसको समझना है, इसको थोड़ा सा समझना है। तो दो समतल दर्पण है, दो समतल दर्पण है, मान लीजिए दो समतल दर्पण है, ठीक है, ये किसी कोण पर झुका हुआ है, ये किसी कोण थीटा, तो थीटा के जगह पर हम 90 डिग्री दे देते हैं या 45 डिग्री दे देंगे या 60 डिग्री दे देंगे। तो ये मतलब 90 डिग्री कोण पर जो है वह दोनों दर्पण झुका हुआ है और इसके बीच में कोई वस्तु रखी गई है, इसके बीच में कोई वस्तु रखी गई है, तो दोनों दर्पण में उस वस्तु का कितना प्रतिबिंब बनेगा। दर्पण ध्यान में रखेंगे 90 डिग्री कोण पर झुका हुआ है, तो फार्मूला ध्यान देखिए 360 है बटा थीटा, थीटा के जगह पर क्या करेंगे 90 डिग्री कर देंगे, माइनस वन कर देंगे, तो आपका कितना हो जाएगा 9 चौक 36, 4 माइनस 1 यानी कि 3 होगा। यहां ध्यान में रखना है कि माइनस वन इसलिए यहां पर लिखा हुआ है कि दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा हमेशा विषम संख्या में बनेगा, 1, 3, 5, 7 में बनेगा। अगर केवल ये करने से ही विषम संख्या आ जाता है तो माइनस वन नहीं करेंगे, है ना। अगर सम संख्या आता है तो माइनस वन करके उसको विषम संख्या बनाएंगे, तो जितना डिग्री लिखा हुआ है ना, 60 डिग्री लिखा हुआ है, 45 डिग्री लिखा हुआ है ना, 90 डिग्री लिखा हुआ है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे 360 में वो डिग्री डाल देंगे। मान लो 60 डिग्री है, माइनस वन कर दीजिए, है ना, तो आपका कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा, 6 सम संख्या है तो 6 माइनस वन कर देंगे, ये 5 हो जाएगा विषम संख्या। तो इसमें दो समतल दर्पण किसी कोण पर झुका हुआ है और बीच में कोई वस्तु रखी हुई है, तो वस्तु का कितना प्रतिबिंब बनेगा, तो ये फॉर्मूला को ध्यान में रखना है। ओके, अब आइए, अगर दो समतल दर्पण जो है दो समानांतर रेखा पर रखा हुआ, जबकि दो समानांतर रखे दर्पण से अनंत प्रतिबिंब बनेगा, अगर समानांतर रखा हुआ है दोनों दर्पण तो प्रतिबिंब कितना बनेगा, अनंत बनेगा। तो ये दो तीन समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब का उदाहरण ध्यान में रखेंगे। फिर से एक बार बोलते हैं, यदि कोई व्यक्ति भी चाल से समतल दर्पण की ओर चलता है तो उसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब दुगनी चाल से आता हुआ दिखाई देगा। दूसरा है, यदि कोई व्यक्ति दर्पण में अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहता है तो दर्पण की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, तो व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। तीसरा, यदि दो समतल दर्पण किसी कोण पर रखा हुआ है और दोनों समतल दर्पण के बीच में कोई वस्तु रखी गई है तो दोनों समतल दर्पण में कितना प्रतिबिंब बनेगा, तो फार्मूला ध्यान में रखेंगे 360 बटा थीटा माइनस वन, है ना, माइनस वन इसलिए किया गया कि विषम संख्या में ही प्रतिबिंब बनेगा। ओके, चौथा, अगर समानांतर रेखा पर रखा हुआ है दोनों समतल दर्पण तो प्रतिबिंब कितना बनेगा, तो अनंत बनेगा। ओके, तो ये समतल दर्पण हो गया। समतल दर्पण का नाम समतल दर्पण इसलिए पड़ा है कि इसका सतह समतल है, चिकना है और चमकदार होता है। ओके, अब आइए गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर क्या होता है। स्फेरिकल मिरर दो प्रकार का, गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, आपका उत्तल कन्वेक्स, अवतल कनकेव, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। ठीक है, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। अब आइए, गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर है, स्फेरिकल मिरर दो प्रकार का होता है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। ठीक है, इसको इंग्लिश में भी ध्यान में रखना है, कन्वेक्स मिरर एंड कनकेव मिरर। उत्तल को कन्वेक्स कहा जाता है, अवतल को कनकेव कहा जाता है। ठीक है, अब ये दोनों मिरर को हम लोग कैसे पहचानेंगे कि यह उत्तल दर्पण है या अवतल दर्पण है, पहले पहचानने का तरीका देख लीजिए। यदि दर्पण में बना वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु को दर्पण से दूर ले जाने पर छोटा हो जाता है, यदि दर्पण में वस्तु का कोई प्रतिबिंब बना है
और उस वस्तु को हम दर्पण से दूर ले जा रहे हैं, तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण में छोटा हो जाएगा, तो दिया गया दर्पण उत्तल होगा। ठीक है, पहला पहचानने का पहला तरीका। दूसरा, उत्तल दर्पण, दर्पण का तल उभरा हुआ रहेगा, उत्तल दर्पण का तल ऐसे रहेगा, हल्का सा उभरा हुआ रहेगा, उत्तल दर्पण का तल उभरा हुआ रहेगा। तो उत्तल दर्पण को हम कैसे पहचानेंगे कि यह कन्वेक्स मिरर है, तो दर्पण में कोई वस्तु का प्रतिबिंब बना है और उस वस्तु को हम दर्पण से दूर ले जा रहे हैं, तो जो है वस्तु का प्रतिबिंब धीरे धीरे छोटा हो जाता है, तो दिया गया दर्पण उत्तल होगा। और अगर उत्तल दर्पण का तल यहाँ पर उभरा हुआ है तो वह उत्तल दर्पण होगा। ठीक है, उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है ये भी ध्यान में रखना है। उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब जो बनेगा आभासी बनेगा, है ना, तो उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा ध्यान में रखना है कि वस्तु का प्रतिबिंब आभासी होगा, सीधा होगा और वस्तु से छोटा होता है। आभासी, ये तीन वर्ड जरूर ध्यान में रखेंगे, आभासी, सीधा, वस्तु से छोटा। ठीक है, उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो मोटर कार में साइड मिरर के रूप में हम प्रयोग करते हैं, और सड़क पर लगे परावर्तक लैंप में उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। मोटर कार में साइड मिरर के रूप में और सड़क पर लगे परावर्तक लैंप में, ठीक है, दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा। ओके, तो ये हो गया उत्तल दर्पण यानी कि कन्वेक्स मिरर। अब आइए अवतल दर्पण को हम कैसे पहचानेंगे, यदि, है ना, अवतल दर्पण यानी कि कनकेव मिरर क्या है, यदि वस्तु का प्रतिबिंब सीधा होता है और वस्तु को दर्पण से दूर ले जाने पर प्रतिबिंब का आकार बढ़ता है, उत्तल के ठीक विपरीत, है ना, कि किसी दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बना और वस्तु को अगर हम दर्पण से दूर ले जा रहे हैं तो प्रतिबिंब का आकार बड़ा होता है। ठीक है, और तो दिया गया दर्पण अवतल होगा, और अवतल दर्पण का जो तल होगा वह हल्का सा धसा होगा, अवतल दर्पण का तल हल्का सा धसा हुआ होगा, ऐसा धसा हुआ होगा। ठीक है, तो अवतल दर्पण यानी कि कनकेव मिरर को पहचानने का दो तरीका, कि अगर कनकेव मिरर में वस्तु का प्रतिबिंब बना है और उस वस्तु को हम दूर ले जा रहे हैं तो वस्तु का आकार बड़ा होगा। ठीक है, और दूसरा, अवतल दर्पण का तल उभरा हुआ रहता है। अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा, वास्तविक, उल्टा, वस्तु से बड़ा। उत्तल दर्पण में आभासी, सीधा, वस्तु से छोटा, अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, वस्तु से बड़ा। अवतल दर्पण का ज़्यादातर यूज किया जाता है, देखिए उपयोग क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है उपयोग, है ना, तो बड़ी फोकस दूरी वाले दर्पण दाढ़ी बनाने में काम आता है, दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। गाड़ी के हेडलाइट और सर्च लाइट में, अब देखिए मोटर कार में साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण और गाड़ी का हेडलाइट और सर्च लाइट अवतल दर्पण। सोलर कुकर में आँख, नाक, कान के आंतरिक भागों को देखने में, अब ये देखना है उत्तल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग, दोनों को एक साथ देखना है। उत्तल दर्पण का उपयोग मोटर कार में साइड मिरर के रूप में सड़क पर लगे परावर्तक लैंप में, अवतल दर्पण का उपयोग आपको दाढ़ी बनाने के दर्पण में, गाड़ी के हेडलाइट, सर्च लाइट में, सोलर कुकर में आँख, नाक, कान के आंतरिक भागों को देखने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो गोलीय दर्पण दो प्रकार का, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा लेंस है, दर्पण और लेंस, है ना, हम लोग दर्पण देखे कि गोलीय दर्पण होता है, दो प्रकार का होता है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, उसी प्रकार का लेंस भी दो प्रकार का होता है, है ना, लेंस भी दो प्रकार का होता है,
जिसको उत्तल लेंस कहते हैं, यानी कि कन्वेक्स लेंस या कन्वर्जिंग लेंस भी कहा जाता है, और आउटर लेंस यानी कि कनकेव लेंस और डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, तो यहाँ ये समझना है पहले कि दर्पण और लेंस में क्या अंतर है। हम लोग पढ़े कि उत्तल दर्पण, तो दूसरा पढ़े उत्तल लेंस। तो दर्पण और लेंस में क्या अंतर है, क्या दोनों समान है या कुछ अंतर है? तो निश्चित रूप से दर्पण और लेंस में अंतर पाया जाता है। क्या अंतर है देखते हैं दर्पण और लेंस में। तो दर्पण प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। दर्पण वह है जो प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। लेंस वह है जो प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि इंग्लिश में देखेंगे तो जो रिफ्लेक्शन, प्रकाश के रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर काम करेगा उसको हम दर्पण कहेंगे, और जो प्रकाश के रिफ्रैक्शन के सिद्धांत पर काम करेगा उसको हम लेंस कहते हैं। लेंस दो प्रकार का, उत्तल या अभिसारी है ना, कन्वेक्स या कन्वर्जिंग लेंस, अवतल या अपसारी, कनकेव और डाइवर्जिंग लेंस इसको कहा जाता है। ओके, तो ये आपका लेंस। अब हम लोग पढ़ेंगे उत्तल लेंस, अवतल लेंस, लेंस पावर ऑफ लेंस बता करके क्लास खत्म करेंगे। ठीक है, अब लेंस हम लोग देख लिए। लेंस जो है किस सिद्धांत पर काम कर रहा है, तो अपवर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। लेंस में दो चीज़ होता है, फोकस दूरी और आपका क्षमता। फोकस दूरी और क्षमता होता है लेंस में। तो दोनों में क्या रिलेशन है ना, दोनों में क्या संबंध है फोकस दूरी और क्षमता में? किसी लेंस की क्षमता उसके फोकस दूरी पर निर्भर करती है। किसी भी लेंस का क्षमता जो होता है वो उसके फोकस दूरी पर निर्भर करती है। अगर कम फोकस दूरी वाला लेंस है तो क्षमता अधिक होगा, है ना। कोई लेंस जिसका फोकस दूरी कम है तो क्षमता क्या होगा, अधिक होगा, और अगर अधिक फोकस दूरी वाला लेंस है तो क्षमता क्या होगा, कम होगा। अर्थात लेंस की क्षमता और फोकस दूरी में प्रतिलोम संबंध है, P बराबर वन बाय एफ। ठीक है, यहाँ पर P है क्षमता पावर और F है फोकस दूरी। अगर फोकस दूरी बढ़ाएंगे किसी लेंस का तो क्षमता कम हो जाएगा, फोकस दूरी कम है तो क्षमता ज़्यादा होगा। ठीक है, लेंस की क्षमता को हम डायोप्टर से मापते हैं। लेंस की क्षमता का मात्रा क्या है, डायोप्टर है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक, आउटर लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। तो यहाँ पर ये बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है कि उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक है ना, क्षमता धनात्मक है और अवतल की क्षमता ऋणात्मक है। तो दोनों में से फोकस दूरी किसका ज़्यादा होगा, अवतल लेंस का ज़्यादा होगा, क्योंकि अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक है, इसलिए अवतल लेंस का फोकस दूरी उत्तल लेंस की अपेक्षा ज़्यादा होगा। तो ये ध्यान में रखना है कि लेंस का फोकस दूरी और क्षमता में विपरीत संबंध है। अगर फोकस दूरी बढ़ाएंगे तो क्षमता कम हो जाएगा, फोकस दूरी कम करेंगे तो क्षमता ज़्यादा हो जाएगा। पी बराबर वन बाय एफ, पी है पावर और एफ है आपका फोकस दूरी। ठीक है, और लेंस की क्षमता को हम डायोप्टर से मापते हैं। लेंस की क्षमता को डायोप्टर से मापते हैं। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, आउटर लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। ओके, तो आज तो लेंस की क्षमता हम लोग देख चुके थे, है ना। किसी भी लेंस में एक क्षमता होता है और फोकस दूरी होता है। लेंस की क्षमता और फोकस दूरी में क्या संबंध है, तो विपरीत संबंध है। अगर किसी लेंस की क्षमता कम है तो फोकस दूरी ज़्यादा होगा, लेंस की क्षमता अधिक है तो फोकस दूरी कम होगा। ये फार्मूला ध्यान में रखेंगे, P बराबर वन बाय एफ। लेंस की क्षमता को हम डायोप्टर से मापते हैं, ये ध्यान में रखना है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। ओके, अब आइए, अब आगे का जो क्लास है वो बताएंगे कि लेंस को किसी दर में डुबोने से लेंस पर क्या प्रभाव पड़ता है ना। लेंस को अगर हम किसी दर में डुबोते हैं तो लेंस पर क्या प्रभाव पड़ता है यह देखना है। तो देखिए लिखा हुआ है कि लेंस को किसी दर में डुबोने पर उसकी फोकस दूरी और क्षमता दोनों बदल जाती है।
ठीक है। इस संबंध में तीन कंडीशन है, तीनों ध्यान में रखेंगे। यदि लेंस को किसी ऐसे दर में डुबो दिया जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से कम है, यानी कि लेंस के, यहाँ अपवर्तनांक का मतलब है घनत्व डेंसिटी, या अपवर्तनांक का मतलब घनत्व डेंसिटी है कि अगर किसी लेंस को हम ऐसे दर में डुबोते हैं जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से कम है तो लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाएगी, और फोकस दूरी बढ़ेगा तो क्षमता क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, यदि लेंस को किसी ऐसे दर में डुबो दिया जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक के बराबर है, यानी कि लेंस का अपवर्तनांक और द्रव का अपवर्तनांक दोनों बराबर है, तो वैसी स्थिति में क्या होगा, लेंस की फोकस दूरी अनंत हो जाएगी। अगर फोकस दूरी अनंत होगा तो क्षमता शून्य हो जाएगा। तीसरा कंडीशन, यदि लेंस को हम ऐसे दर में डुबोते हैं जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से अधिक हो, है ना, यानी कि द्रव का अपवर्तनांक ज्यादा है लेंस का अपवर्तनांक कम है, तो वैसी स्थिति में लेंस की प्रकृति बदल जाएगी। कहने का मतलब कि अगर उत्तर लेंस को हम डुबोते हैं तो आउटर लेंस के समान दिखाई देगा, उत्तर लेंस को अगर हम डुबोते हैं तो वह आउटर लेंस की भांति और आउटर लेंस उत्तर लेंस की भांति व्यवहार करता है। तो ये तीन कंडीशन को ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद यही कारण है कि पानी में डूबा हुआ वायु का बुलबुला, बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि पानी में डूबा हुआ वायु का बुलबुला जो है वह आउटर लेंस की भांति व्यवहार करता है, क्योंकि पानी का अपवर्तनांक वायु से अधिक होता है, है ना, पानी का अपवर्तनांक वायु से अधिक होता है, इसलिए पानी में डूबा हुआ वायु का बुलबुला वस्तुतः उत्तल होता है लेकिन वह आउटर लेंस की भांति व्यवहार करता है। दूसरा उदाहरण, कांच के लेंस को कार्बन डाइसल्फाइड के घोल में अगर डुबोते हैं, कांच का लेंस है और उसको कार्बन डाइसल्फाइड के में डुबोने पर उत्तल लेंस आउटर लेंस की भांति और आउटर लेंस उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करता है। तो ये किसी लेंस को हम दर में डुबोते हैं तो लेंस का फोकस दूरी और क्षमता में निश्चित रूप से बदलाव आता है। ये तीन कंडीशन हम लोग देखे, इसको ध्यान से देखना है। अब आइए, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट किसको कहा जाता है, प्रकाश का प्रकीर्णन। जब प्रकाश जो है वायुमंडल से होकर गुजरता है ना, ये ध्यान में रखना है कि सूर्य के प्रकाश में सात रंग है, सूर्य के प्रकाश में सात रंग है, इसके बारे में सबसे पहले कौन कहा, तो न्यूटन कहे थे कि सूर्य के प्रकाश में सात रंग है, ठीक है। तो जब प्रकाश जो है वह सूर्य के प्रकाश में जो सात रंग है वह तभी दिखाई देगा जब वायुमंडल होगा, है ना। तो जब सूर्य का प्रकाश जो है वायुमंडल से होकर गुजरता है तो वायुमंडल में उपस्थित धूल कणों द्वारा विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है ना। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से को गुजरता है तो वायुमंडल में हम लोग जानते हैं धूल कण है, जलवाष्प है, तो धूल कण में मिश्रित होकर अलग अलग दिशाओं में फैल जाता है। इस घटना को ही हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, है ना। प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए वायुमंडल का होना आवश्यक है, अगर वायुमंडल नहीं है तो प्रकाश का प्रकीर्णन संभव नहीं है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण, सूर्य उगते और डूबते समय लाल दिखाई देता है, क्यों, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। दूर से अगर हम समुद्र का पानी देखते हैं तो नीला दिखाई देता है, ऐसा क्यों, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। चौथा, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, इस कारण चंद्रमा के तल से देखने पर आकाश कैसा दिखाई देता है, तो काला। काला क्यों दिखाई देगा, तो जहां वायुमंडल नहीं है वहां पर प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा, और इसका परिणाम क्या होगा कि आकाश का रंग काला दिखाई देगा। तो ये चार उदाहरण ध्यान से देखना है, याद रखना है प्रकाश के प्रकीर्णन का। प्रकाश का जो प्रकीर्णन है वह बैंगनी रंग में सबसे अधिक होता है और लाल रंग में सबसे कम होता है प्रकाश का प्रकीर्णन, ऐसा क्यों, क्योंकि बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ सबसे कम होता है, इसलिए प्रकाश का प्रकीर्णन उसमें ज्यादा होगा। लाल रंग का वेवलेंथ सबसे अधिक होता है, इसलिए लाल रंग में प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होगा। तो ये है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब आइए, प्रकाश का अपवर्तन क्या है, अपवर्तन का मतलब है रिफ्रैक्शन, है ना, अपवर्तन और परावर्तन,
परावर्तन रिफ्लेक्शन कहते हैं, अपवर्तन रिफ्रैक्शन कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। तो जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है, विरल से सघन में जाएगा, ठीक है, तो जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तब अपरिवर्तित किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है ना, विरल से सघन। ये यहाँ पर देखिए तो हल्का सा ये मिस्टेक हो गया, ये वाला है ना, यहाँ पर विरल होगा, यहाँ पर हम विरल लिखते हैं, ठीक है, विरल से सघन। विरल से सघन का उदाहरण देखिए लिखा हुआ, हवा से पानी, हवा से प्रकाश पानी में जाएगा, यानी कि विरल से सघन में जाएगा। तो विरल से सघन में जाएगा तो प्रकाश का जो है किरण अपवर्तित होकर अभिलंब की ओर, ये अभिलंब है, ये अभिलंब है, ठीक है, उधर झुक जाएगा, हल्का झुक जाएगा। इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। फिर से एक बार बोलते हैं, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो प्रकाश अपवर्तित होकर अभिलंब की ओर झुक जाता है। इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, जैसे हवा से पानी। ओके, प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण देख लीजिए, लाइट चैप्टर में उदाहरण का बड़ा महत्व है, उदाहरण ही अक्सर पूछा जाता है, इसे उदाहरण जरूर से जरूर याद रखना है ना, जैसे तारों का टिमटिमाना है ना, किसका उदाहरण है, प्रकाश के अपवर्तन का। जल में डूबी हुई सीधी छड़ टेढ़ी दिखाई देता है, मान लो हम एक बाल्टी पानी लिए हैं और उसमें छड़ डालते हैं, लोहे का रॉड डालते हैं, तो देखते हैं कि लोहे का रॉड हल्का टेढ़ा दिखाई देता है, ये प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण। किसी बर्तन के तल में पड़ा हुआ सिक्का ऊपर उठाई देता है, अगर हम पानी के बाल्टी में जो है सिक्का डालते हैं तो देखते हैं हल्का सा उभरा हुआ दिखाई देता, उठा हुआ दिखाई देता है, ये भी प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण। सूर्योदय के कुछ समय पहले और सूर्यास्त के कुछ समय बाद तक सूर्य दिखाई पड़ता है, सूर्योदय के कुछ समय पहले, ठीक है, और सूर्यास्त के कुछ समय बाद तक सूर्य का दिखाई देना प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण है। इसमें ध्यान में रखना है, वास्तविक सूर्यास्त एवं आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग 2 मिनट का अंतर होता है, वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग 2 मिनट का अंतर। उसी प्रकार वास्तविक सूर्योदय और आभासी सूर्योदय के बीच भी लगभग 2 मिनट का अंतर होता है। तो प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण ध्यान रखना है, तारों का टिमटिमाना, जल में रखी सूर्योदय के कुछ समय पहले और सूर्यास्त के कुछ समय बाद तक सूर्य दिखाई पड़ता है, ये सब प्रकाश के अपवर्तन का रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का उदाहरण है। ध्यान में रखना है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट किसको कहते हैं, तो ये प्रकाश जो है विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में जाएगा तो हल्का अभिलंब की ओर झुक जाएगा, इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ओके, अब आइए प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसको कहते हैं, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसको कहते हैं, इसको इंग्लिश में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसको हम ऐसे परिभाषित करेंगे कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, ध्यान से सुनेंगे। जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होता है, आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक होता है तो प्रकाश विरल माध्यम में बिल्कुल ही नहीं जा पाता, बल्कि संपूर्ण प्रकाश परिवर्तित होकर सघन माध्यम में ही लौट आता है। मतलब कि अगर प्रकाश सघन से विरल में जा रहा है, और आपतन कोण का मान क्रांति कोण से ज्यादा है
तो प्रकाश जो है सघन से विरल में नहीं जाएगा, बल्कि सघन में आया और फिर से वह लौट आएगा, फिर से परावर्तित हो जाएगा। इसी घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। फिर से क्वेश्चन फिर से कहते हैं कि जब प्रकाश सघन से विरल में जा रहा है और उस समय आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक होता है, तो प्रकाश विरल माध्यम में बिल्कुल ही नहीं जा पाता है, बल्कि सघन माध्यम में ही परावर्तित हो जाता है, और इस घटना को ही हम प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण है, देख लेना है। हीरे का चमकना, हीरे का चमकना अक्सर क्वेश्चन आता है। तारों का टिमटिमाना तो प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण, हीरे का चमकना तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण, मृग मरीचिका प्रकाश तंतु इंडोस्कोपी तकनीक, ये सब उदाहरण है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है, ध्यान रखना है। ओके, तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या हुआ, फिर से बोले एक बार कि जब प्रकाश सघन से विरल में जा रहा है और उस समय आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक हो जाता है, तो प्रकाश बिल्कुल ही विरल माध्यम में नहीं जा पाता है, बल्कि सघन माध्यम में ही परावर्तित हो जाता है। इस घटना को ही प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। उदाहरण, हीरे का चमकना, मृग मरीचिका, प्रकाश तंतु, इंडोस्कोपी तकनीक। ओके, प्रकाश तंतु का आविष्कार कौन किए थे, तो टी एच मैमा के द्वारा प्रकाश तंतु, जिसको इंग्लिश में ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं, उसका आविष्कार किए थे। ठीक है, तो आपका प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर काम करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। ओके, अब आते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसको कहते हैं, तो न्यूटन बताए कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग है, सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होता है, जिसको हम लोग भिव जियोर कहते हैं, VIVGYOR, भिव जियोर कहते हैं, 7 रंग होता है। बी से वायलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज एंड आर से रेड, भिव जियोर कहते हैं। ठीक है, सूर्य के प्रकाश में, इसमें ध्यान में रखेंगे कि ग्रीन जो है बीच में होता है, सबसे फर्स्ट में वायलेट होता है, सबसे लास्ट में रेड होता है, ग्रीन जो है बीच का कलर है, भिव जियोर ध्यान में रखना है कोड। ठीक है, तो न्यूटन कहे कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग है। ओके, तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण डिस्पर्शन ऑफ लाइट किसको कहा जाता है, कि जब सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो यह अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ विभिन्न रंगों के प्रकाश में बढ़ जाता है। इस प्रकाश से प्राप्त रंगों के समूह को स्पेक्ट्रम कहते हैं, 7 रंगों के समूह को हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं। श्वेत प्रकाश की विभिन्न रंगों में विभक्त होने की क्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, बैंगनी रंग का वर्ण विक्षेपण सबसे अधिक होगा, लाल रंग का वर्ण विक्षेपण सबसे कम होगा। अब हम फिगर के द्वारा फिर से बताते हैं। यहाँ पर मान लिया जाए कि एक शीशे का, ये शीशे का प्रिज्म है। ठीक है, सूर्य का प्रकाश है, सूर्य के प्रकाश में 7 रंग है, तो शीशे का प्रिज्म है ना, और सूर्य का प्रकाश इस प्रिज्म से होकर जब गुजरता है तो जो है यह वर्ण का विक्षेपण हो गया। विक्षेपण मतलब वर्ण रंग जो है विभिन्न भागों में बट गया है ना, विभिन्न भागों में मतलब विभाजित हो गया, इसी को विक्षेपण कहते हैं। तो इसका जो है इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं तो वर्ण विक्षेपण है ना, तो सबसे ज़्यादा वर्ण विक्षेपण किसका हुआ, तो भी का, VIVGYOR है ना, तो वर्ण विक्षेपण यानी कि सबसे ज़्यादा विक्षेपण किस रंग का हुआ, तो वायलेट का, यानी कि वर्ण विक्षेपण सबसे ज़्यादा किसका होगा, वायलेट का। ठीक है, सबसे कम किसका होगा, तो रेड का है ना। तो ये वर्ण विक्षेपण हुआ कि जब सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ विभिन्न रंगों के प्रकाश में बढ़ जाता है, 7 रंगों के प्रकाश में बढ़ जाता है, 7 रंगों के समूह को स्पेक्ट्रम कहते हैं। जिस रंग का मतलब झुकाव सबसे ज़्यादा होता है,
उसका वर्ण विक्षेपण सबसे ज़्यादा होता है, देखने सबसे ज़्यादा झुकाव किसका है तो वायलेट का है, तो वायलेट का वर्ण विक्षेपण सबसे ज़्यादा होगा। किसका सबसे कम है झुकाव तो रेड का है, यानी कि रेड का वर्ण विक्षेपण सबसे कम होगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है इसी बैगनी रंग का वर्ण विक्षेपण सबसे ज़्यादा होगा, लाल रंग का वर्ण विक्षेपण सबसे कम होगा, है ना। इसी प्रकार बैगनी रंग का वेवलेंथ सबसे कम होता है, क्योंकि बैगनी रंग का आपका प्रकीर्णन और वर्ण विक्षेपण सबसे ज़्यादा होगा, जबकि वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य बैगनी रंग का सबसे कम होता है, जबकि लाल रंग का वर्ण विक्षेपण प्रकीर्णन सबसे कम होता है और वेवलेंथ सबसे अधिक होता है। पारदर्शी पदार्थों में जैसे जैसे प्रकाश के रंगों का अपवर्तनांक बढ़ता जाता है, यहाँ अपवर्तनांक का मतलब घनत्व बढ़ता जाता है, वैसे वैसे पदार्थ में उसकी चाल कम हो जाती है। कांच में बैंगनी रंग के प्रकाश की चाल सबसे कम, लाल रंग का प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है, है ना। तो इसमें क्या कहेंगे, तो लाल रंग का जो है बैंगनी रंग का क्या क्या ज्यादा होता है, फिर से एक बार बोलते हैं, बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा, वर्ण विक्षेपण सबसे ज्यादा और अपवर्तनांक सबसे ज्यादा, ठीक है। लाल रंग का दो चीज ज्यादा होता है, लाल रंग का चाल, लाल रंग की चाल सबसे अधिक होती है और लाल रंग का वेवलेंथ सबसे अधिक होता है। लाल का चाल सबसे अधिक, वेवलेंथ सबसे अधिक, जबकि अपवर्तनांक, वर्ण विक्षेपण और प्रकीर्णन लाल रंग का सबसे कम होता है, ओके। अब आइए वर्ण विक्षेपण का उदाहरण देख लेते हैं। इंद्रधनुष का बनना किसका उदाहरण है, तो वर्ण विक्षेपण का उदाहरण, इंद्रधनुष का बनना वर्ण विक्षेपण का उदाहरण है। इंद्रधनुष जो बनता है वह आपको कब बनता है, क्या शर्त है बनने का, ठीक है। इंद्रधनुष बनने का क्या शर्त है देख लीजिए, जब सूर्य लंबवत हो, जब सूर्य लंबवत हो, लंबवत हो मतलब कि आपको एकदम ये पृथ्वी है और यहाँ पर सूर्य है, ठीक है, ये लंबवत हो गया तो इंद्रधनुष नहीं बनेगा, यानी कि आपका दो बजे तक इंद्रधनुष नहीं बनेगा, क्योंकि दो बजे दिन तक जो है सूर्य जो है पृथ्वी के लंबवत होती है, लंबवत होगा तो इंद्रधनुष नहीं बनेगा, है ना। जब सूर्य इधर आ गया या इधर आ गया, ठीक है, तब जो है वह आपका इंद्रधनुष कहाँ बनेगा, सूर्य के विपरीत दिशा में इस साइड बनेगा। अगर सूर्य इस साइड है तो इंद्रधनुष सूर्य के विपरीत दिशा में बनेगा, है ना। ध्यान में रखना है कि इंद्रधनुष कब बनेगा कब नहीं बनेगा, तो 12 से 2 के बीच नहीं बनेगा, क्योंकि उस समय सूर्य पृथ्वी के लंबवत होती है, तो है ना। दूसरा विशेषता क्या है कि सूर्य के विपरीत दिशा में इंद्रधनुष बनेगा, सूर्य के विपरीत दिशा में इंद्रधनुष बनेगा। इंद्रधनुष का बनना किसका उदाहरण है, तो वर्ण विक्षेपण का उदाहरण है। जब इंद्रधनुष बनता है तो दो प्रकार का इंद्रधनुष बनता है, एक होता है डीप, है ना, एक काफ़ी गहरा इंद्रधनुष होगा उसको प्राइमरी रेनबो कहते हैं, और जो हल्का धुंधला होगा उसको सेकेंडरी रेनबो कहा जाता है। प्राइमरी रेनबो में बाहर की ओर लाल रंग होता है और सेकेंडरी रेनबो में बाहर की ओर बैंगनी रंग, अंदर की ओर बैंगनी रंग होता है। प्राइमरी किसको कहेंगे, जो काफ़ी डीप होगा, है ना, उसको प्राइमरी रेनबो कहते हैं। इसमें बाहर की ओर जो है वह लाल रंग होगा, अंदर की ओर बैंगनी रंग होगा। सेकेंडरी किसको कहेंगे, जो धुंधला होगा, जो धुंधला रेनबो होगा उसको सेकेंडरी कहेंगे। बाहर की ओर बैंगनी रंग और अंदर की ओर लाल रंग होता है सेकेंडरी इंद्रधनुष में। तो इंद्रधनुष कब बनेगा कब नहीं बनेगा, तो जब सूर्य पृथ्वी के लंबवत दिशा में है तो इंद्रधनुष नहीं बनेगा। जब भी इंद्रधनुष बनेगा, सूर्य के विपरीत दिशा में इंद्रधनुष बनेगा। इंद्रधनुष का बनना किसका उदाहरण है, वर्ण विक्षेपण का उदाहरण है। इंद्रधनुष दो प्रकार का होता है, एक जो प्राइमरी इंद्रधनुष जिसका कि कलर काफ़ी डीप होगा, इसमें जो इंद्रधनुष में 7 रंग होगा, इंद्रधनुष में 7 रंग होगा, बाहर में प्राइमरी इंद्रधनुष के बाहर में लाल रंग होगा, अंदर में बैंगनी होगा, और जो सेकेंडरी जो धुंधला होगा इसमें भी 7 रंग दिखाई देगा, बाहर में बैंगनी अंदर में लाल रंग होता है। तो ये हो गया वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण हम लोग देखे, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन देखे, प्रकाश का अपवर्तन। आइए आउटर लेंस पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है, है ना।
इसमें आउटर लेंस और उत्तर लेंस पर बना प्रतिबिंब पूछा जाता है। आउटर लेंस का एक ही कंडीशन को ध्यान में रखना है, क्या है, तो आउटर लेंस में वस्तु चाहे कहीं भी रखी गई हो, मान ले आउटर लेंस है, ठीक है, ये आउटर लेंस है, वस्तु यहाँ 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 कहीं भी रखा गया है, ठीक है, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, एफ एवं प्रकाश केंद्र ओ के बीच बनता है, है ना। आउटर लेंस में वस्तु कहीं भी रखी गई है, वस्तु का प्रतिबिंब एक ही जगह बनेगा, एफ और ओ के बीच में बनेगा वस्तु का प्रतिबिंब, ठीक है। यह प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आउटर लेंस में प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो सीधा, आभासी और वस्तु से छोटा, ये ध्यान में रखना है। आउटर लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा, आभासी और वस्तु से छोटा, ओके। उत्तल लेंस का 3-4 कंडीशन है, इसको ध्यान में रखना है। उत्तल लेंस में देखिए लिखा हुआ है कि उत्तल लेंस में पर बना प्रतिबिंब, इसको समझना है, ठीक है। अगर वस्तु अनंत पर रखा गया है ना, अगर किसी वस्तु को हम अनंत पर रखते हैं तो उत्तल लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, F2 पर बनेगा, ठीक है। मान लें ये उत्तल लेंस है, ठीक है, और ये वस्तु रख दिए हैं यहाँ अनंत पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, मान लेते हैं ये F2 है, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, F2 पर बनेगा। कैसा बनेगा, तो वास्तविक छोटा और उल्टा बनेगा, वास्तविक छोटा और उल्टा बनेगा, ठीक है। यहाँ पर ये ध्यान में रखना है, कहाँ क्या कह रहा है कि वस्तु अगर अनंत पर है तो प्रतिबिंब बनेगा F2 पर, वास्तविक बनेगा, छोटा बनेगा और उल्टा बनेगा। दूसरा कंडीशन, अगर वस्तु C1 अक्ष पर है, अगर वस्तु को मान लें ये दर्पण है और ये मान लिया जाए ये C1 अक्ष है, एक्सिस है C1, ठीक है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, F2, इसको मान लेते हैं हम F2 और इसको मान लेते हैं C2, F2 और C2 के बीच में बनेगा, F2 और C2 के बीच में बनेगा, है ना। अगर वस्तु को हम C1 अक्ष पर रखते हैं तो उत्तल दर्पण उत्तल लेंस में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, F2 और C2 के बीच में बनेगा, कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, छोटा बनेगा और उल्टा बनेगा, वास्तविक छोटा उल्टा बनेगा, ठीक है। तीसरा कंडीशन देखते हैं, अगर वस्तु C1 एवं F1 पर है, अगर वस्तु को रखा गया है C1, मान ले ये C1 है, यहाँ C1 है और F1, C1 और F1 पर वस्तु रखा गया है, ठीक है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, C2 से परे, C2 इसको हम मान लेते हैं, C2 इसको मान लेते हैं, तो C2 के परे यानी कि C2 के बाहर बनेगा प्रतिबिंब, ठीक है। क्या कह रहा कंडीशन कि अगर वस्तु C1 और F1 पर है तो प्रतिबिंब C2 से परे यानी कि C2 के बाहर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, बड़ा बनेगा और उल्टा बनेगा, वास्तविक, बड़ा और उल्टा। चौथा कंडीशन देखते हैं कि अगर वस्तु F1 पर है, अगर वस्तु F1 पर है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, वास्तविक, बहुत बड़ा और उल्टा। अब यहाँ पर देखिए आंसर पकड़ने का तरीका, ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है और लोग गलती कर दें, चूंकि ये 4-5 कंडीशन को याद रखना भी तो जरूरी है। अब इसमें थोड़ा सा आंसर पकड़ने का तरीका देखिए, आउटर लेंस में वस्तु सीधा बनता है, आभासी बनता है, ये इसको खाली ये ध्यान रखना, सीधा, आभासी, ओके। उत्तल लेंस में देखिए जितना बन रहा है वास्तविक उल्टा, ठीक है, वास्तविक उल्टा, ठीक है। ये मतलब आंसर पकड़ने का तरीका हम बता रहे हैं कि अगर आपको ये सब कुछ भी जानकारी नहीं है, ठीक है, और पूछा जाएगा कि उत्तर लेंस में यहाँ पर वस्तु रखा हुआ है तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होगा, तो हमेशा माइंड में ये ध्यान में रखना है कि उत्तर लेंस में वास्तविक उल्टा। अब 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उसके अनुसार आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है, वास्तविक उल्टा उत्तल लेंस में, सीधा आभासी
आउटर लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। इसको ध्यान रखना है, याद करने का जरूरत नहीं है, बस इसको ध्यान में रखेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा इसको याद रखना है। एक लाइन में अगर याद रखना चाहें तो आउटर लेंस में प्रतिबिंब आपको सीधा आभासी वस्तु से छोटा, ओके। उत्तर लेंस में वास्तविक बनेगा उल्टा बनेगा, वास्तविक उल्टा, और लगभग सब में मतलब आपको दो में बड़ा बनेगा और दो में छोटा बनेगा। तो ये ध्यान में रखना जरूरी नहीं, चूंकि याद रखना भी है तो अक्सर जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि वास्तविक उल्टा, उत्तर लेंस में वास्तविक उल्टा, आउटर लेंस में सीधा आभासी, इसको याद रखना बेहद जरूरी है, ठीक है। अब आइए वस्तुओं का रंग, वस्तु का रंग क्या होता है। 1666 में न्यूटन ने यह बताया कि सूर्य का प्रकाश अनेक रंगों से मिलकर बना होता है। न्यूटन ही कहे कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग है, ठीक है। कोई वस्तु जिस रंग की दिखाई देती है वह वास्तव में केवल उसी रंग को परावर्तित करती है, अन्य रंगों को अवशोषित कर लेती है। बड़ा ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे, जिसके पास नोट्स है नोट्स भी देखिएगा, स्क्रीन पर भी है स्क्रीन को भी देखिएगा। कोई वस्तु जिस रंग की दिखाई देती है ना, वास्तव में केवल उसी रंग को परावर्तित करती है, अन्य रंगों को अवशोषित कर लेती है। मान लिया जाए कोई वस्तु हरा रंग का दिखाई दे रहा है, तो किसी वस्तु पर 7 रंग सूर्य का जो प्रकाश पड़ा है ना, किसी वस्तु पर, हरे वस्तु पर सूर्य का प्रकाश पड़ा तो हरे रंग को वह परावर्तित कर लिया और अन्य रंगों को अवशोषित कर लिया, इसलिए वह वस्तु हरा दिखाई पड़ता है। जो वस्तु जैसा दिखाई देगा वास्तव में वो उसी रंग को परावर्तित करेगा, शेष रंग को अवशोषित कर लेगा। जो वस्तु सभी रंगों को परावर्तित कर देती है वह श्वेत दिखाई देती है। अगर किसी वस्तु का रंग सफेद दिखाई दे रहा है तो कहेंगे कि वह सभी रंगों को परावर्तित कर देती है, इसलिए उसका रंग सफेद हो गया। और जो वस्तु सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है वह काली दिखाई देती है। तो तीन चीज है ना, कोई वस्तु लाल दिखाई दे रहा है तो क्या कहेंगे, लाल रंग को परावर्तित किया, अन्य रंगों को अवशोषित कर लिया, इसलिए उसका कलर क्या हो गया, लाल। दूसरा, कोई वस्तु सफेद क्यों दिखाई दे रहा है, तो वह सभी रंगों को परावर्तित कर देता है तो वह सफेद दिखाई देता है, सफेद दिखाई देता है क्योंकि सभी रंगों का मिश्रित प्रभाव सफेद होता है ना। जो वस्तु सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है उसका रंग होता है काला, काला दिखाई देता है ना। तो ये ध्यान में रखना है, तीन कंडीशन है इसको ध्यान में रखना है। वस्तुओं का रंग के बारे में 1666 में न्यूटन ने बताया कि सूर्य का प्रकाश जो है 7 रंगों से बना होता है। 7 रंगों के समूह को आपको स्पेक्ट्रम कहा जाता है, 7 रंगों के समूह को स्पेक्ट्रम कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर ये देखना है कि वस्तु प्राइमरी कलर किसको कहते हैं। प्राइमरी कलर अक्सर पूछा जाता है, निम्न में से कौन प्राथमिक रंग है, लाल हरा नीला, लाल हरा नीला प्राइमरी कलर है, रेड है, आर जी और नीला है ना, नीला यानी ब्लू, आर जी बी है ना, लाल हरा नीला प्राइमरी कलर है, ठीक है, प्राइमरी कलर है। प्राइमरी कलर क्यों कहा जाता है लाल हरा नीला, क्योंकि इसको बनाया नहीं जाता है बल्कि यह प्रकृति में मौजूद रहता है, इसलिए यह प्राइमरी कलर है। प्राइमरी कलर से जो कलर बना उसको हम सेकेंडरी कलर कहते हैं। द्वितीय रंग किसको कहेंगे कि जो रंग प्राइमरी कलर से बना, जैसे देखिए लाल और नीला मिलाते हैं तो बैगनी बना, लाल और हरा मिलाएंगे तो पीला बना, ये सेकेंडरी कलर, ठीक है। और जब दो रंग परस्पर मिलने से श्वेत रंग बनता है, जब दो रंग को हम मिलाएंगे और दो रंग के मिलने से श्वेत रंग बनता है
तो वैसे रंग को पूरक रंग कहते हैं, सप्लीमेंट्री कलर कहते हैं। तो तीन चीज ध्यान में रखना है, प्राइमरी कलर किसको कहेंगे, लाल हरा नीला। सेकेंडरी कलर किसको कहेंगे, तो जो प्राइमरी कलर से बनाया गया। टर्सरी कलर किसको कहेंगे, तो जो प्राइमरी और सेकेंडरी कलर से बनाया गया। सप्लीमेंट्री कलर किसको कहेंगे, जब दो रंग आपको आपस में मिलाएंगे और सफेद रंग उत्पन्न हुआ तो उसको सप्लीमेंट्री कलर कहेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए त्रिभुज बनाकर दिखाया गया है, है ना, त्रिभुज बनाकर के आपको यहाँ पर फिगर में दिखाया गया है, देख लीजिए फिगर में, ठीक है, यहाँ पर देखना है फिगर में, ये वाला फिगर में, ये फिगर में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए फिगर में, हम इस फिगर को, हाँ फिगर में बन क्या है, तो देखिए लाल लाल हरा नीला, ठीक है, यहाँ पर पीला है, यहाँ पीकॉक नीला है, यहाँ मजेंटा है। तो अब यहाँ पर ये बीच में ये सफेद, मतलब लाल और पीकॉक नीला को मिलाएंगे तो सफेद बना लाल, ठीक है, लाल है ना, लाल को और उसके बाद नीला को मिला, लाल नीला को मिलाएंगे तो मजेंटा बना, लाल हरा को मिलाएंगे तो पीला बनेगा, ठीक है। तो ये हरा मैजेंटा को मिलाएंगे तो बीच में सफ़ेद है, पीला नीला को मिलाएंगे तो बीच में सफ़ेद है। इसको इस तरह से इसको ऐसे कर दीजिए, यहाँ पर लाल हो गया, यहाँ हरा हो गया और यहाँ पर नीला हो गया, ठीक है। इसको इस तरह से ऐसे कर दीजिए, यहाँ बीच में ये सफ़ेद हो जाएगा, ये सफ़ेद हो जाएगा, यहाँ पर ये मैजेंटा हो जाएगा, यहाँ पर आपको आपको पीला हो जाएगा, यानी कि लाल और हरा को मिलाएंगे तो पीला हो जाएगा, लाल नीला को मिलाएंगे तो मैजेंटा होगा। इसमें यहाँ पर ऐसे ये भी कर दीजिए, ये पीकॉक नीला हो गया, यहाँ पर पीकॉक नीला, देखिए फिगर में दिया हुआ पीकॉक नीला, कि हरा और नीला को मिलाएंगे तो पीकॉक नीला बन जाएगा। तो ये रंगों का रंग जो बनाया जाता है रंग उद्योग में, इसी फॉर्मूले के आधार पर रंगों को मिश्रित किया जाता है। ये ध्यान में रखेंगे कि जब दो रंग को आपस में मिलाएंगे और श्वेत रंग बनता है तो उसको कहेंगे पूरक रंग। सातों रंग को अगर मिला देते हैं आपस में तो सातों रंगों का परिणाम क्या होगा, सफेद। सफेद रंग सात रंग को मिलाते हैं तो सफेद रंग बनता है। और कोई वस्तु सफेद क्यों दिखाई देती है, क्योंकि वह सातों रंगों को, क्योंकि वह सातों रंगों को जो है वह आपको परावर्तित कर देती है, है ना, सातों रंगों को परावर्तित करती है तो सफेद दिखाई देती है। अब कहेंगे कोई वस्तु काली क्यों दिखाई दे रही है, तो वह सातों रंगों को अवशोषित कर ली इसलिए काली दिखाई दी। तो ये हो गया वस्तुओं का रंग, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब आइए प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का व्यतिकरण इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या है, है ना, कि जब प्रकाश किसी, जब सूर्य का प्रकाश जो है वायुमंडल से होकर गुजरता है तो अलग अलग रंगों में दिखाई पड़ता है, इसको प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। प्रकाश के व्यतिकरण को सबसे पहले 1802 ईस्वी में थॉमस यंग नामक व्यक्ति ने पता लगाया। प्रकाश के व्यतिकरण का प्रयोग, है ना, उदाहरण ध्यान में रखेंगे, वर्षा ऋतु में मोटर कार मोटर वाहन से गिरी तेल की बूंदें सड़क पर रंगीन दिखाई देती, देखते होंगे कि बारिश हुआ है और पानी गिरा हुआ रोड पर और उस पर हम तेल या पेट्रोल या डीजल डाल देते हैं तो रंगीन दिखाई देती है। साबुन का बुलबुला सूर्य के प्रकाश में रंगीन दिखाई देता, किसके कारण, प्रकाश के व्यतिकरण इंटरफेरेंस के कारण ऐसा होता है। ओके, अब आते हैं प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल के बारे में सबसे पहले रोमर प्रकाश की चाल को ज्ञात किए, रोमर नामक वैज्ञानिक प्रकाश की चाल को ज्ञात किए। ध्यान में रखना है प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा निर्वात में होता है। निर्वात में क्यों होता है, क्योंकि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, है ना, बिना माध्यम का चलता है, इसलिए निर्वात में प्रकाश की चाल अन्य माध्यम के अन्य की अपेक्षा अधिक होता है, ठीक है, अन्य की अपेक्षा अधिक होता है। दूसरा, आपको निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होगा। पानी में प्रकाश की चाल देख लीजिए 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, कांच में 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में लगभग 499 सेकेंड का समय, यानी कि 8 मिनट 19 सेकेंड का समय, और चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में
1.28 सेकेंड का समय लगता है, यानी कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 19 सेकेंड और चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 1.28 सेकेंड का समय लगता है। प्रकाश की चाल को सबसे पहले कौन ज्ञात किए? रोमर वैज्ञानिक। और प्रकाश की चाल ध्यान में रखना है कि निर्वात में सबसे अधिक होता है। अब आइए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होता है। माइक्रोस्कोप का मतलब ही है सूक्ष्म वस्तुओं को देखना, माइक्रो मतलब सूक्ष्म, स्कोप मतलब देखना, है ना। सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए जिन यंत्रों का प्रयोग किया जाता है उसको माइक्रोस्कोप कहते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार नॉल एवं रस्का ने किया था, नॉल एवं रस्का, है ना। माइक्रोस्कोप दो प्रकार का होता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दो प्रकार का होता है, सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप का मतलब इसके द्वारा नजदीकी छोटी वस्तुओं को बड़े प्रतिबिंब के रूप में देखा जाता है। इसमें छोटी फोकल दूरी का लेंस होता है। ये साधारण माइक्रोस्कोप होता है कि कोई छोटा वस्तु है उसको हम बड़े रूप में देखते हैं तो उसको सिंपल माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखेंगे। इसमें छोटी फोकल दूरी का उत्तल लेंस लगा होता है, ध्यान में रखना है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है इसमें बहुत ही सूक्ष्म वस्तु है, जैसे वायरस है, बैक्टीरिया है, उसको देखना है। वायरस बैक्टीरिया इत्यादि को बड़े रूप में देखना है तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज किया जाएगा। इसमें दो उत्तल लेंस लगा होता है, दो उत्तल लेंस होता है। जो लेंस वस्तु के समीप होता है उसको ऑब्जेक्टिव लेंस कहा जाएगा और जो आँख के समीप होता है उसको आई लेंस कहते हैं। तो माइक्रोस्कोप दो प्रकार का, सिंपल माइक्रोस्कोप, अगर छोटे वस्तु को बड़े रूप में देखना है तो सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज किया जाएगा, और अगर सूक्ष्म वस्तु जैसे वायरस बैक्टीरिया इत्यादि को देखना है तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज किया जाएगा। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस का प्रयोग जो है वह उत्तल लेंस का प्रयोग इसमें होगा, दो उत्तल लेंस होगा, एक आपको वस्तु के समीप होगा जिसको ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं और एक आंख के समीप होगा जिसको आई लेंस कहते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका पूरा लाइट चैप्टर।